इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरदीप नारायण यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नामांकन फॉर्म जमा करते समय मीरदीप नारायण यादव द्वारा वोटर लिस्ट की पुरानी कॉपी संलग्न की गई थी, जो फॉर्म भरने की त्रुटि में आता है एवं फॉर्म में एक जगह हस्ताक्षर भी नहीं होने के बाद सामने आ रही है। इसी कारण उनका फॉर्म निरस्त किया गया। आपको बता दें कि यह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो से भाजपा प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। पूर्व में भी ऐसा लग रहा था कि विष्णुदत्त शर्मा ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि यह सीट कांग्रेस समाजवादी पार्टी को गठबंधन में दी गई थी, जिसका जनाधार बिल्कुल नहीं परंतु फॉर्म निरस्त होना ही वाका ओवर साबित हो गया। साथ में बहुजन और अन्य प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा के मुकाबले ना के बराबर साबित हुए। हालांकि मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव ने लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनका नामांकन रिजेक्ट किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मामले को लेकर हाई एवं सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंधित की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही हैं कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो ख़राब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फॉर्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते भाई आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 बजे से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। अगर क्या लगता है पन्ना कलेक्टर दबा रहे हैं नगर पालिका? मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं, तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं, एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हर हालत में लड़ेगा। विधानसभा के पर्चों में भी सुधार होता है, विधानसभा में जो फॉर्म जमा की